Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, तेलंगाना की राजनीति पलटी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे से लड़ते हुए केसीआर के करप्शन को टारगेट किया था। बीजेपी को तो कोई खास फायदा नहीं मिला, लेकिन केसीआर वाली सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। चुनाव बाद भी रेवंत रेड्डी केसीआर को भूले नहीं, केसीआर एंड कंपनी के करप्शन को खुरच खुरच कर निकाला जा रहा है। जांच का वादा राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने चुनावों में किया था। केसीआर के करप्शन की जांच के लिए रेवंत रेड्डी ने एक सदस्यीय जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया था। पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन केसीआर कहां हार मानने वाले थे। पहले रुकवाने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में नाकाम लड़ाई लड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट से जांच कमीशन को अवैध करार देने की मांग की। ये दोनों ही मिशन फेल हुए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और जांच रिपोर्ट आने से पहले केसीआर ने कमीशन को हेड कर रहे जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से शिकायत कर दी कि बिना जांच जस्टिस रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लांछन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने ये बात पकड़ ली। सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी सरकार और कमीशन के हेड रेड्डी को जमकर सुनाया, लेकिन जांच पर रोक नहीं लगाई। तेलंगाना सरकार को आदेश दिया कि जज बदलकर जांच करिए, धारणा बननी चाहिए कि न्याय हुआ है। इतना सब होने पर जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि वो आगे जांच नहीं करना चाहते हैं। केसीआर जो चाहते थे वो होते होते रह गया। रेड्डी पर सवाल उठाकर कमीशन तो बदलवा ली, लेकिन जांच नहीं रुकवा पाए। रेवंत रेड्डी सरकार के झटके के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में केसीआर पर भारी पड़ गए। रेवंत रेड्डी की सरकार ने जांच कमीशन से 2014 से 2023 के बीच केवल बिजली के मामलों में करप्शन की जांच करने को कहा था। केसीआर के सीएम रहते छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदने और दो पावर प्लांट बनाने में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। केसीआर कह रहे हैं कि राजनीति के बदले की भावना से जांच हो रही है। केसीआर के दावपेच के बाद भी रेवंत रेड्डी जांच से कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तेलंगाना सरकार जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की जगह किसी और जज को जांच के लिए कहेगी, मतलब केसीआर के खिलाफ जांच तब तक बंद नहीं होगी जब तक ऐसा करने के लिए कोई सुप्रीम ऑर्डर ना हो। मामला कितने हाई लेवल का है इसे ऐसे समझिए, जांच करा रही है तेलंगाना सरकार, जांच हो रही है तेलंगाना के पूर्व सीएम की, केस है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने। जांच करने वाले हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, केस लड़ रहे हैं तेलंगाना सरकार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी के लिए गोपाल शंकर नारायण और केसीआर के लिए मुकुल रोहतगी जैसे वकील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां सरकारें बदलने के बाद भी राजनीतिक जंग खत्म नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन रेड्डी से सत्ता छीन लेने के बाद चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी केसीआर को जरा पॉलिटिकली हैंडल कर रहे हैं। करप्शन के आरोपों की जांच के लिए कमीशन बनाया, चुनाव में बीआरएस की हार के बाद बची कुची पार्टी की जड़े खोद रहे हैं। धीरे धीरे केसीआर की टीम टूट रही है। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक सांसद बीआरएस से कांग्रेस में आ चुके हैं। अगले चुनाव तक केसीआर के साथ कितने लोग बचेंगे इसकी गिनती धीरे धीरे कम हो रही है। अब देखना होगा कि अगले चुनाव से पहले यहाँ पर राज्य को लेकर और इस पूरे राज्य में राजनीति किस तरीके से करवट लेती है और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।